Hi guys, this is Simbul talking and you're watching your FIFA Foosti. So firstly, welcome on FIFA Foosti. Promo काफी interesting लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे show के बारे में? अभी तक feedback बहुत अच्छा आ रहा है promo पे and posters पे. So I'm just hoping for the best and हमारी पूरी team बहुत मेहनत कर रही है और हम लोग रोज शूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से शूट कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट यार लिटरली होपिंग फॉर द बेस्ट. तो क्या रीज़न था शो को हाँ करने का, क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? यही कि ये कहानी बाकी सारे शो से इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत रिलेटेबल है कि एक आम इंसान कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा. तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए बिकॉज ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं और मेरे चैलेंजिंग कैरेक्टर था. सो काव्या और सिंबल में क्या कुछ सिमिलैरिटीज है, क्या कुछ डिफरेंट है? डिफरेंस ये है कि काव्या एक IAS ऑफिसर है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ. और सिमिलैरिटीज़ ये है कि जो काव्या का जुनून है, जो उसका जज्बा है, वो पैशन मैंने फील किया अपनी लाइफ में कि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर ही बनना है, तब ये था कि मैंने कोई अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रखा था. मुझे एक्टिंग करनी है तो मुझे एक्टिंग ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं. सेम काव्या के साथ भी उसने एक टारगेट बना लिया, उसको इधर उधर कहीं नहीं देखना, जितनी भी मुश्किलें आई बस उसको पार करके अपने मंजिल तक पहुँचना. और आपकी और बॉन्डिंग, आपकी और मिसेस की बॉन्डिंग की बात करें तो काफ़ी प्रोमो में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, रियल लाइफ में क्या कुछ बॉन्डिंग्स है आपकी? रियल लाइफ में मैं और मिश्कात हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. हम लोग साथ में ऑफकोर्स अभी रोज शूट कर रहे हैं तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. एंड अभी हम लोग लंच साथ में करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मतलब हाँ मज़ा आता है. एंड ही इज़ अ रियली गुड एक्टर, सो अच्छा लगता है जब कोई अच्छे एक्टर के साथ आप काम कर रहे हो तो आपके सीन्स भी अच्छे निकल के आते हैं. बिहाइंड द सीन क्या कुछ मजाक मस्ती होती है जो आपको शेयर करना चाहिए? एक्चुअली रोज ही होती है, बट जितनी मजाक मस्ती मेरे साथ नहीं होती उतनी मिश्कात एंड हमारे जो डायरेक्टर सर हैं विक्रम गई सर, वो दोनों आपस में जो मस्ती करते हैं ना, दैट इज रियली अ ट्रीट टू वॉच. मतलब उनको देख के इतना मजा आता ना, वो दोनों मस्ती करेंगे, कुछ भी बात करेंगे और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है. लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? बस यही कि थैंक यू हर एक प्रोजेक्ट को इतना प्यार देने के लिए. और ये मेरी एक और कोशिश है ताकि मैं आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं एंड आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आए. सो एंड यू नो गाइस आई रियली लव यू, सो होप फॉर द बेस्ट.